नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। केरल में आज ओणम की धूम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जैश के 3 आतंकियों को किया ढेर। सेना की बढ़ेगी ताकत, भारत अब रूस से खरीदेगी 70,000 AK-103 राइफल्स। उद्धव ठाकरे ने दिया गडकरी के खत का जवाब, कहा विकास परियोजना में नहीं आएगी बाधा। जायडस कैडिला के कोरोना वैक्सीन को आपात मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी बोले, ये भारत के वैज्ञानिक के उत्साह का है प्रमाण। तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से करने पर फंसे मुनव्वर राणा, लखनऊ में हुई FIR दर्ज। यूपी के DGP मुकुल गोयल अधीनस्थों को कड़ा निर्देश, SP खुद करे महिला अपराध की समीक्षा। सपा ब्राह्मण एजेंडों को देगी धार, लखनऊ में लगेगी 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा, जमीन भी की गई चिन्हित। सांसद विधायक व पार्षद पेड़ों को राखी बांध कर लेंगे सुरक्षा का संकल्प, 29 अगस्त तक यूपी में चलेगा अभियान। यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर 4 वर्षों में कसा शिकंजा, जांच में 175 भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी बेनकाब। दूसरी बार सामने आया अमेरिकी राष्ट्रपिता ने कहा, अफगानिस्तान में सैनिकों पर हमला हुआ तो देंगे कड़ा जवाब। चीन ने तकनीकी कंपनियों पर नियमन को किया सख्त, निजी सूचना सुरक्षा कानून हुआ पारित। पाकिस्तान में फिर निशाने पर चीनी नागरिक, बलूचिस्तान के ग्वादर में आत्मघाती हमला, 2 बच्चों की हुई मौत। बोरिस जॉनसन ने कहा, यदि जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन तालिबान के साथ मिलकर करेगा काम, विदेश मंत्री का किया बचाव। अफगानिस्तान में खत्म नहीं हुई जंग, तालिबान की राह में खड़े होंगे नॉर्दर्न अलायंस के शेर। T20 विश्व कप के लिए सौरव गांगुली और विराट कोहली ने की मीटिंग, पाक से होगा पहला मैच। IPL 2021 से पहले क्लीन बोल्ड हुआ सनराइजर हैदराबाद के क्रिकेटर संदीप शर्मा, अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, SRH फ्रेंचाइजी ने दी मुबारकबाद। एंडरसन बुमराह विवाद पर टीम इंडिया के फील्डिंग कोच का बड़ा खुलासा, कहा कि बुमराह के माफी मांगने पर एंडरसन ने उनके साथ किया बहुत ही गलत बर्ताव। लॉर्ड्स में टीम इंडिया की जीत के बाद बॉलीवुड गाने पर हुआ डांस, लंदन की सड़कों पर धमाकेदार जश्न का वीडियो। जस्टिन लैंगर और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा, रिपोर्ट में हुआ ये सनसनीखेज दावा। थर्ड ट्राइमेस्टर के अपकमिंग फिल्म सनक की डबिंग करने पहुंची नेहा धूपिया, सांस फूलने और कमर दर्द की परेशानी के बावजूद पूरा किया सेशन। रणदीप हुड्डा को बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर प्रिया शर्मा ने भेजा कानूनी नोटिस, प्रिया शर्मा ने आरोप लगाया कि रणदीप ने अपने नहीं पूरा किया वादा और दे रहे हैं उन्हें धमकी। 20 सितंबर को होगी अक्षय कुमार की फिल्म OTT पर रिलीज, तकरीबन 75 करोड़ में बिकी है ये फिल्म। अमिताभ के झुंड के OTT राइट्स 33 करोड़ में बिके, महाराष्ट्र की है इसकी कहानी, इसलिए यहां थिएटर खुलने के बाद ही होगी रिलीज।
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शुरू हुई शूटिंग, एथनिक अवतार में दिखी आलिया भट्ट, रणवीर सिंह की अपोजिट आएंगी नजर। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।